वेलकम बैक टू सी डी डी मोबाइल। तो आज मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, जो कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि कोई भी रियलमी का फ़ोन आप रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मोबाइल को अनलॉक कर लेना है, पेटेंट हो या फिर पासवर्ड हो। तो उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको नीचे जाने के बाद दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है, क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इरेज ऑल डाटा फैटिक रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे इरेज ऑल डाटा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका स्क्रीन लॉक हो, जैसे कि मोबाइल अनलॉक करते हैं या पेटेंट रहे या फिर पासवर्ड रहे, आपको डाल देना है। जैसे ही डालेंगे तो रेड कलर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। वापस फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, मोबाइल का बैटरी कम से कम 50% चार्ज होना चाहिए और आपका फ़ोन कम से कम 10 से 15 मिनट हार्ड रीसेट होने में लगा सकता है, तो आप इंतज़ार कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज सिलेक्शन का। तो मेरा ऑलरेडी इंग्लिश पे है, यूएस इंग्लिश, तो मैं डायरेक्ट इस पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका कौन सा देश है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे फ़ोन में किसी प्रॉब्लम के वजह से नहीं शो कर रहा है, तो आप अपना कर लेंगे और डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो मैं वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। Sound right, boys. Sound white boy.